अस्सलाम वालेकुम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं उमर इकबाल। नाजरीन, फरवरी का महीना बहार के साथ मंसूब है। माजी में बहार के मौसम में बसंत का त्यौहार मनाया जाता था, लेकिन वक्त के साथ कुछ अनासिर ने इस त्यौहार को धाती डोर और केमिकल इस्तेमाल करके एक खूनी खेल बना दिया है। पतंगबाजी एक जुर्म है और इसकी सज़ा 3 साल तक कैद है। आइए लोगों से पूछते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। आपके ख्याल में क्या पतंगबाजी की इजाज़त होनी चाहिए? जी, मेरे ख्याल से होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ सेफ्टी जो है वो ज़रूरी है। आवाम की भी, आवाम को खुद चाहिए कि सेफ्टी अपने लिए खुद करें। वैसे शौक तो है, लोहरियों का होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर ही नहीं है ये पतंगबाजी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी नहीं है और लोगों की जानों को खतरा होता है। पतंगबाजी की इजाज़त मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारी कौम जो है बहुत आकवर्ड किस्म की पतंगबाजी करती है। मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में क्या बसंत की इजाज़त होनी चाहिए? ये रिसेंटली मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है कि मैं कैंची रोड पर, मुझे ना डोर लगी बाइक पर, तो इस तरह मुझे लगी है। तो मैं अगर कह भी दूंगा कि होनी चाहिए, अगर किसी और को लग जाए तो ये नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी नहीं है, बाइक्स हैं और बाइक्स पे काफ़ी हादसे हो चुके हैं और होते भी रहते हैं। और उसके बाद बसंत पे ये है कि लोग फायरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। क्या पतंगबाजी होनी चाहिए? नहीं यार, पहले होता था, डोरे इतनी पक्की नहीं थी होती, अगर लग भी जाती थी तो बचत हो जाती थी। आजकल की तो शीशा डोर है, उसके अलावा और बहुत कुछ है, वो जैसे ही वो लगती है बंदे को कोई ना कोई चीज़ कट जाती है। क्या आपके ख्याल में पतंगबाजी होनी चाहिए? पतंगबाजी देखिए खतरनाक खेल है, ठीक है, अगर किसी की जान जाती है उस शौक से तो सब्र अच्छा है। मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग अपने थोड़े से फ़न के लिए काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। जी, पतंगबाजी भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जानी नुकसान भी हो रहा है। किसी सूरत नहीं होनी चाहिए पतंगबाजी, और बस बंदे को ना कोई कारोबार करना चाहिए, काम करना चाहिए। पतंगबाजी में क्या पड़ा हुआ है? आपके ख्याल में क्या पतंगबाजी होनी चाहिए? जी नहीं होनी चाहिए। क्या रीज़न है इसकी, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब पतंगबाजी होती है तो उससे फिर लोगों की जानों को भी नुकसान होता है। पतंगबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का मसला होता है, ठीक है, और दूसरा जानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बेटा कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में क्या पतंगबाजी होनी चाहिए? पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए, बुरी बात है। नहीं, पतंगबाजी की इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी इसको पाबंदी किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी इसको पाबंदी किया हुआ है, तो ये गलत काम। मेरे ख्याल में पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ वक्त के यंगस्टर्स के कुछ वक्त के एंजॉयमेंट के पीछे ना बहुत से लोगों की जानें चली जाती हैं। पतंग की बारीक डोरी होने की वजह से कईयों के गले में फिर जाती हैं। आपके ख्याल में क्या पतंगबाजी होनी चाहिए? मेरे ख्याल में वैसे नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कल्चर भी नहीं है। अच्छा, हमारी फैमिली में भी हुआ था अंकल के साथ, वो बाइक चला रहे थे, डोर लगी और गर्दन कट गई उनकी। जी देखें कितना जाने नुकसान हुआ, इस वजह से बसंत जो है वो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ये हो ऐसे हो सकता है कि स्पेशल जगह डिसाइड करें, जैसे बाई फीट जा रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो ऊपर से डोर आ रही है किसी की, या मतलब कि बहुत ज़्यादा ये एरिया आपका बहुत सेंसिटिव होता है, तो यहाँ से कट हो जाता है, ऑल दैट डेथ हो जाती है एट द मोमेंट, तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल। चलो अगर हो तो एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए। बाइक वालों को, पैदल चलने वालों को पता नहीं चलता है, बूढ़े होते हैं कुछ लोग, सही नज़र नहीं आता है, तो कुछ वक्त की इंजॉय के पीछे लोगों की जाने जाएं, इससे बेहतर है कि पतंगबाजी ना की जाए। आवाम को बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बच्चे बड़े सब हादसा ऐसे होते हैं, इस वजह से जो है ना नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम जब पतंगबाजी हुई है तो काफ़ी जो है ना लोगों के गले कटे हैं, बाजू कटे हैं। उसके अलावा भी जो है ना अक्सर लोग जो है पतंगबाजी तो करते हैं लेकिन छत पे फायरिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना नुकसान पेश आता है, ये नहीं होनी चाहिए पतंगबाजी। इस्लामी कंट्री है, ईद होनी चाहिए, सब कुछ, ये बसंत वगैरह तो कुछ नहीं, फजूल है। और जो फैसलाबाद में हुई है, कहीं पर भी हुई है, वहाँ पर भी पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि लोग वहाँ पर भी रहते हैं, नुकसान वहाँ पर भी होते हैं, अगर वहाँ पर नुकसान हुआ है तो वो हमारा ही एक किस्म का नुकसान हुआ है। किसी गाँव वगैरह में या शहर से दूर वहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज बसंत नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए शहर में, नहीं होनी चाहिए। लोग इसको अच्छे से मतलब करें तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लोग उसके लिए केमिकल मतलब यूज़ करते हैं, वो जो डोर होती है उसकी, तो इस वजह से फिर पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए। अंकल आपके इतना तजुर्बा, बताएं कि बसंत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, ठीक है। इसकी क्या वजह, क्या है इसकी? इसकी वजह है, अक्सर कैजुअलिटीज होती है ना। जी जी बिल्कुल।
हाथ फिर नहीं होनी चाहिए और क्या है। जो डेथ्स वगैरह हो रही हैं उनकी वजह से पसंद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। आजकल तो मतलब बहुत ज़्यादा काम खराब होता है ना, बच्चा किसी का चला जाया हो जाए या खुद भी बड़े बड़े गर्दन में फिर जाती हैं जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मानू तो सेफर साइड पर यही करना बताइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुसलमानों का त्यौहार थोड़ी हिंदुओं का भाई जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है बिल्कुल। इससे बहुत लोगों की जाने भी गई इसी वजह से। ठीक है, एक तो कानून के खिलाफ और दूसरा काफी लोगों की जाने गई हैं, गर्दनें कट जाती हैं, इस वजह से नहीं होनी चाहिए। जी नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।